डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट में का देखेंगे। ठीक है, डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स जो है हम टू टाइप्स में बांटते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स। सीक्वेंशियल सर्किट्स को दो पार्ट में हम कैटेगराइज करते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। इसी एसिंक्रोनस को बोलते हैं हम लोग रिपल काउंटर। चलिए आज हम बात करेंगे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हम कैसे डिजाइन करेंगे, तो उसका प्रोसीजर क्या। देखिए सभी लोग, सबसे पहले प्रोसीजर है टू डिजाइन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। स्टेप वन, डिसाइड नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट रिक्वायर्ड टू डिजाइन द सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द डिफाइंड फंक्शंस। स्टेप टू, डिसाइड द आउटपुट आइदर 0 or 1, डोंट केयर फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स कॉम्बिनेशनल डिपेंडिंग ऑन डिफाइंड फंक्शंस। उसके बाद क्या करना है हमको, स्टेप थ्री में फाइंड बुलियन एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ऑल पॉसिबल इनपुट्स। सिखाऊंगा अभी सब चीजें, स्टेप्स हैं, इसको देखिए इसको। इसके बाद ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाफ एडर। जरूरी नहीं है, सीख जाओगे। देखो हाफ एडर मतलब सबसे पहले हमको ये समझना है कि बनाना क्या है। हाफ हेडर उसको बोलते हैं जो दो बिट को ऐड करता है। ठीक है, जैसे कि ए प्लस बी। ठीक है जी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ एडर। समझ पाए सब लोग? जैसे कि ये हमारा टेबल है इस तरीके से, देखिए सब लोग, ये आप लोग जानते हैं 0 0 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा जी, बताइए। 0 मिलेगा कैसे जी? हम प्रकाश, 0 को 0 से ऐड करेंगे तो सम, ये सम है और एक कैरी है कि 0 + 0 कितना होता है, 0 मिलता है। यहाँ तक क्लियर? 0 को 1 सेट करेंगे क्या मिलेगा जी, 1 मिलेगा। और कैरी 0 कुछ नहीं, 0 + 1 1 होता है। इस तरीके से 1 + 0 क्या होता है जी, बताइए। जीरो प्लस वन वन, कैरी भी 0 आ गया। ठीक है, अब 1 + 1 करेंगे क्या मिलेगा, और कैरी 1। ठीक है ना, उसी कैरी को मैं यहां पर लिखा हूं 1। अब ये बताइए, एक इनपुट 0 है और एक इनपुट 1 1 1 0, ये 0 1 1 0 का कौन से गेट में मिलता है जी, याद कीजिए। हाँ देखिए, सबसे पहले हमको बनाना क्या है उसको देखना है। स्टेप वन में हाफ हेडर बनाना है। अब स्टेप टू, इसके लिए हमको ये ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है जी, ओम प्रकाश, समझ में आ रहा है? इसे हमको जोड़ने वाला बनाना है, तो जोड़ने वाला बनाएंगे, तो ट्रूथ टेबल बना दिया हम लोगों ने। अब स्टेप थ्री, अब इस ट्रूथ टेबल देख के हमको आउटपुट सोचना है कि ये जो सम आया है उसका आउटपुट 0 1 1 0 आया है, ये कौन से गेट में आता है जी, सम XOR गेट में, तो यहाँ पर लिख दिया XOR। और ये 0 0 0 1 कौन सा गेट, ऐसा प्रकाश एंड गेट, बस
देखिए दो इनपुट है, इसको जोड़ना है, समझ पा रहे होगे आप लोग कि यहाँ पर दो इनपुट को जोड़ना है। दोनों इनपुट को पहले कहाँ से गुजार देंगे, एक XOR गेट से। तो क्या मिल जाएगा हमको, जोड़ मिल जाएगा, जोड़ या सम मिल सकता है, इंग्लिश में बोलूँगा सम, ठीक है ना जी। और कैरी के लिए एंड गेट, समझ पाए सभी लोग, क्लियर हो गया यहाँ तक। हाफ एडर, हाफ एडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो बिट्स को जोड़ता है, ठीक है। चलिए आगे इसके बाद पढ़ेंगे, ये हाफ हो गया। अब तीन बिट को जोड़ने वाला क्या बोलेंगे उसको, फुल एडर। आया समझ में सबको, इजी है, बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, फुल एडर जो 3 बिट कैरी को भी जोड़ेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फुल एडर। बस आपको फोटो याद रखना है, बस और कुछ नहीं, और इसका काम। चलिए चलिए 0 0 को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा जी, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा कि नहीं, 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 0 1 को तो 1 मिलेगा, 0 1 0 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 1, 0 1 1 को ऐड करेंगे तो 0 0 जोड़ोगे तो, हाँ उसी तरीके से 1 1 को जोड़ोगे तो, इसी तरीके से, समझ के। अब इसमें 1 और ये 1 कैरी, ऐसा नहीं सबको कैसे जी, समझ पाए। वही इच्छा है, बस यहाँ पर 3 इनपुट कैरी को, इनपुट को ले रहे हैं, और ये सम हो गया हमारा, और ये 0 है ना, सॉरी 1 है, ये क्या है, 1 है, ठीक, समझ पाए सब लोग। अब इसी का हमको क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल। अब देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, देखो एक 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 एक, जितने भी ऑड नंबर ऑफ 1 है उसमें 1 आ रहा है, और इवन में 0 आ रहा है, समझ पा रहे हो कैसी। देखो तो ऑड नंबर ऑफ वंस में अगर 1 आता है तो कौन सा गेट होता है, वो एक्स और गेट, तो डेफिनेटली एक्स और गेट बनेगा। तो इसका सम का देखो मीन टर्म क्या हो रहा है, सम का मीन टर्म 1 2 4 7। तो इसके लिए हमको डिजाइन करना है के मैप से, जो हम पिछले टॉपिक में पढ़े हैं, तो ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और कैरी। तो सम का कैसे आ जाएगा, हमारा सर्किट डायग्राम इस तरीके से। सबको क्लियर हो रहा है, देखिए सम का निकल गया, एक एक को निकालते हैं, सम को निकल गया, समझ पाए सब लोग, सम का एक XOR गेट होगा। इसके बाद हमको आगे पढ़ना है कैरी के लिए। देखिए कैरी के लिए क्या होगा, कौन कौन सा 1 आ रहा है, देखिए 1 कौन कौन सा में आ रहा है, कौन कौन सा 1 आ रहा है, देखिए हाँ, तो ये कौन सा डिजिट है, देखिए देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 6 7 और 3 है ना जी। अब इसके लिए हमको के मैप डिजाइन करने हैं, तो देखिए इसके लिए जोड़ी कैसे बनाओगे, ये 2 को जोड़ी बनाओगे, इससे 2 को जोड़ी बनाओगे, और इसका इस तरीके से,
है ना जी। तो पहले इसको देखो, तो ये बी सी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट नहीं सेम होगा, ठीक है ना। उसके बाद इसके लिए ए सी का कॉम्प्लीमेंट और ए बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना, समझ में सबको। ये आउटपुट समझ में आया, कैसे बनाया, केमएम से बनाया ना, इसलिए केमएम जरूरी था, ठीक है, सबको समझ में आया। ओम प्रकाश, ठीक है ना। देखो ध्यान से इसको काउंट करो, इसको देखो बस, तो बी सी आएगा ना जी, वैसी। अब नेक्स्ट को देखो, केवल इसको देखना, इधर ए कांस्टेंट है तो ए आएगा, इधर सी का सी आएगा, ए सी, हाँ बी सी है वो, ठीक। उसी तरीके से ये सेम तो ये भी आ जाएगा, समझ पाए सभी लोग, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसका आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो इससे समझ में आ जा रहा है ना, तो इससे टाइम कम लगेगा, हम ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको, बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकेंगे, इस टाइप में बना के पढ़ाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा और हम कम पढ़ पाएंगे। तो ये सब क्लियर हो गया सबको, फाइनल यहाँ तक। अब देखो ए बी और ये ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, अब सबको क्या कर देंगे, जोड़ना है, तो एंड 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 और लास्ट में और गेट। तो आपको ये फोटो याद रखना है बस, इसमें पूछेगा आपको ये कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है करके, फुल एडर का, तो पूछ देगा ये किसका है, तो आपको याद रखना है फुल एडर का है, याद रहेगा, बताएंगे। अब नेक्स्ट है सबट्रैक्टर, सबट्रैक्टर मतलब क्या है, समझ गए होगे, सबट्रैक्टर मतलब क्या है, हाँ वेरी गुड, किसका फुल एडर, ये सब अभी नोट्स मिल जाएगा, नोट्स बनाना बढ़िया से, ठीक है, हाँ ठीक, चलिए। ये देखिए अब इसमें क्या कर रहे हो आप लोग, बताओ, घटा रहे हो, घटाने आता है सबको, कैसे जी बताइए। देखिए अब 0 से 0 घटाओगे क्या मिलेगा जी, वेरी गुड, 0 7 को घटाओगे और बोरो वन किरा, हाँ बोरो वन आएगा यहाँ पर, ठीक। 0 से 1 को घटाएंगे तो 0 से घटेगा नहीं, बोरो लेना पड़ेगा, 0 में से 1 गया तो 1 और बोरो 1, उधार ही लेना पड़ता है ना जी। ओम प्रकाश, समझ में आया ना, जैसे 0 में से मेरे को 2 घटाना है नॉर्मल तरीके से, 0 को माने 10, 10 में से 2 गया तो 8, माइनस में सॉरी, हाँ 0 में से 7 -8 करिए, है ना, उधारी लिए, सेम चीज़ है, ठीक, क्लियर हुआ। उसी तरीके से यहाँ पर आगे देखेंगे, 1 में से 0 गए तो बताइए क्या बचेगा, 1, हाँ नेक्स्ट 1 में से 1 गया क्या बनेगा, हाँ वेरी गुड, 0 0। अब ये क्या चीज़ है जी, ये क्या है, 0 1 1 0 क्या है बताइए, हाँ एक्स और है, क्लियर यहाँ तक। अब चलो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 into 1 1 हो रहा है,
डेफिनेटली ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ होगा तभी तो ये वन होगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी, बस ये थोड़ा सा अंतर है एडर और सब्ट्रैक्टर में। ठीक है, क्लियर है? एडर और सब्ट्रैक्टर में इतना ही अंतर है, बाकी तो यहाँ तक तो सेम था। ठीक है ना जी, चलिए नेक्स्ट। देखिए इसका सर्किट डायग्राम, तो यहाँ पर कैसे बनेगा, एक एक्सॉर गेट है डायरेक्ट, ए बी का एक्सॉर, तो डिफरेंस क्या हो रहा है, ए एक्सक्लूसिव आर बी। ठीक है ना जी, नेक्स्ट ए का कॉम्प्लीमेंट और ये बी, ये हो गया 12। ठीक, आया समझ में? आगे बढ़े, सबको क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। देखो क्वेश्चन नोट करके लिखना, टू एट एम बिट नंबर वी रिक्वायर्ड हाफ एडर 2m-1। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो फार्मूला याद आ जाता है, कहीं पर काम आ जाता है। अगर हमको m बिट को ऐड करना है, क्या करना है जी, ऐड करना है, तो 2m-1 हमको हाफ एडर की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी? हाफ एडर। कुछ फार्मूले से इसको डायरेक्ट याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर समझ गए होगे, जो कि 3 बिट को सबट्रैक्ट करेगा, उसे क्या बोलेंगे, फुल सबट्रैक्टर। ठीक है जी, फुल सबट्रैक्टर जो क्या करेगा, 3 बिट्स ए बी और साथ में बोरो को भी काउंट करेगा। इसके पहले हमने बोरो को निगलेक्ट कर दिया था। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 0 0 सेम चीज, 0 0 में से बन गया, तो हाँ 0 में से बन गया, तो 12 1 0 में से बन गया, तो 1 12 1 यहाँ तक वन आया, 1 में से बन गया, तो 0 फिर 12 1। समझ पाए सभी लोग? उसके बाद नेक्स्ट 1 में से 0 गया तो 1, नॉर्मल है ही, 1 में 0 गया तो 1, फिर 1 में से बन गया तो 0, 1 इस तरीके से। क्लियर हो गया सबको? 1 में से बन गया तो 0, 1 में से बन गया 0, 0 में से बन गया तो 1, 12 1। बढ़िया। आगे बढ़े, क्लियर आ गया सबको समझ में यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो देखो। अब इसमें देखो, वन में वन, ऑड नंबर में वन आया, इवन में 0 आया, देख रहे हो सब लोग कैसे जी, 0 1 2 ऐसे लिख लेना, 2 3 4 5 7 6। तो कहाँ कहाँ पर वन है, 1 2 3 और ये 6, कैसे नहीं लिस्ट कहाँ गया था, जल्दी आना चाहिए। चलो देखो, इसमें डिफरेंस के लिए 1 2 4 7, 1 2 4 7 फिर से कौन सा गेट बनेगा जी, एक्सक्लूसिव और, तो देख रहे हो आप लोग, चाहे एडर हो चाहे सबट्रैक्टर, चाहे हाफ एडर हो
चाहे फुल एडर, चाहे हाफ सब्ट्रैक्टर हो, चाहे फुल सब्ट्रैक्टर, हमेशा जो आउटपुट है डिफरेंस और एड का, वो कौन सा गेट आ रहा है? एक्सक्लूसिव और। तो ये जो रिजल्ट्स हैं इनको आपको याद रखना है, ठीक है जी। ये जो रिजल्ट है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, बोरो के लिए क्या इनपुट आया था? देखो इधर, अब इसको सब सेम है बना लोगे ना, सेम जैसे पिछले बनाए थे, 1 2 3 7। तो 1 2 3 7 इसको बनाएंगे। इसको मैंने बताया था KMF बनाना सिखा दिया हूँ सबका, सेम चीज़ है जैसे हमने KMF बनाया था। देखिए अगर इसके लिए हम लोग लेंगे ये A0, और यहाँ से 0 से 1 में चेंज हो गया, ये तो 1 और 1 है, तो A कॉम्प्लीमेंट B। उस तरीके से सेकंड के लिए ये सब क्लियर हो गया सबको? कैसे जी बताएं? ठीक है। इस तरीके से आसान, हाफ एडर इस तरीके से हमने फुल एडर बना लिया। क्लियर हो गया सबको? अब हाफ एडर से फुल एडर बनाना, देखो कैसे बनाते हैं हाफ एडर से फुल एडर। तो हाफ एडर से फुल एडर बनाने के लिए कैसे बनेंगे? देखिए, इम्प्लीमेंट आ फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, ठीक है जी। देखिए हाफ एडर, एक हाफ एडर मेरे पास, दो हाफ को जोड़ूंगा तो फुल बनेगा कि नहीं बताओ? 1/2 + 1/2 कितना बनेगा जी? 1 बनेगा। हाँ वैसी टाइप का, दो हाफ एडर को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक फुल एडर। सिमिलर तरीके से हमको जाना है। देखिए इसको डायरेक्ट बता दूं, ऐसी समझ में आ रहा है सबको? कॉपी से समझ में आ रहा है, इससे हम लोग कम समय में ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ठीक है ना? समझ में नहीं आएगा तो बताएंगे। देखिए यहाँ तक क्लियर है सबको? हाफ एडर फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर फुल सबट्रैक्टर, यहाँ तक क्लियर है? हाफ एडर देखिए, तो एक हाफ एडर से जब हम इनपुट देते हैं तो एक क्या मिलता है हमको? कैरी मिलता है, एक क्या मिलता है? सम मिलता है। ऐसा उनमें समझ में आया यहाँ तक सबको? देखो अब देखो, इस जो हाफ एडर है उसको मैं फिर से इनपुट दूंगा और यहाँ से सीखो। तो ये क्या करता था जी, ये दोनों का सम जो है एक्स और कर देता था। उसी तरीके से ये तीन है, तीनों का सम क्या कर देगा? एक्स और, ठीक। और इसके साथ एक्स और करने के साथ दूसरे क्या करता है? ए इंटू बी को, ए को बी से गुणा कर देता है जो कैरी वाला रहता है। इन दोनों को गुणा करने, देखो ए एक्सक्लूसिव और बी का मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको सी से गुणा करेंगे। सेम आ गया, यहाँ तक आ गया ना, ठीक। अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो इस तरीके से हमको फाइनली क्या मिल जाएगा? कंसियस थ्योरम। इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो हमको फाइनली क्या मिल रहा है? जो हमारा आउटपुट था फुल एडर का, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से हम हाफ एडर से फुल एडर बना लेते हैं। क्लियर हो गया सबको? तो दो हाफ एडर को जोड़ देंगे, फुल एडर बन जाएगा। बस इतना ही करना है। समझ पाए सब लोग? कुछ नहीं, देखो इधर जो आउटपुट आया ना, इधर का आउटपुट इसको इसे जोड़ दिए, और जो यहाँ से कैरी आया था दोनों को एक एक और गेट के साथ जोड़ दिए। मतलब एक हाफ एडर प्लस एक हाफ एडर, दोनों का जो आउटपुट आएगा उसको जोड़ने के लिए एक हम और गेट लगाएंगे। तो इतना मिल के क्या बनता है जी? एक फुल एडर बनते हैं। समझ पाए सब लोग? इसको याद रखना, इसी को।
क्लियर, आगे बढ़ें। क्लियर हो गया सब? कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या होता है? कंपेयर करना, ठीक है। जैसे आप लोग नहीं करते हो हिजगा एक दूसरे का, जीन्स पहने मोह पहना, मोबाइल ले बड़े वाला मोह ला, कैसे आप हिजगा तो है ही। कंपेरिजन, तो कंपेरिजन कैसे होता है? देखो, या तो ए बड़ा होगा बी से, या तो ए बराबर होगा बी का, या तो ए छोटा होगा बी का, यही चीज होगा। समझ पाए कि नहीं? या तो कोई तुमसे उम्र में छोटा है, या तो बराबर है, या तो छोटे हैं, है ना? कैसे जी, समझ पाए कि नहीं? तो कंपैरिजन कैसे होता है? या तो मेरे छोटा है, मेरे से बड़ा है, या तो बराबर है, ये तो कंपैरिजन करते हैं हम लोग, कैसे जी? सब समझा रहे हो इतना बेसिक चीजें? हाँ, तो यही कंपेरेटर है। तो वन बिट को कंपेयर करना, जैसे देखो मैंने कंपेयर किया है, पर ए छोटा है, बी बड़ा है, या तो बराबर है ना? इसी को बोलते हैं कंपैरिजन। है समझ में? ठीक, अब देखो ध्यान से, इधर चलो तुम लोग देखो टेबल को, देखो पहला वाला कंपेयर करो, दोनों क्या है जी? ए चलो बताओ, फर्स्ट वाला क्या है? चलो बताओ, ए ग्रेटर देन बी इसका मतलब ये है, ए लेस देन बी इसका मतलब ये है, ए इक्वल टू बी, पर लास्ट वाला केस समझ गए ना? ई बी लिखा है मतलब एल ग्रेटर देन बी, एल लेस देन बी, समझ गए ना? ठीक, ए ग्रेटर देन, ए बड़ा है बी से, ठीक है। चलो बताओ ऐसा है क्या? देखो दोनों तो जीरो हैं, कैसे जी? दोनों दोनों तो क्या है? जीरो है, तो इक्वल है कि छोटा है बताओ? इक्वल में आएगा, समझ गए ना जी? देखो ए और बी कंपेयर करो, जीरो जीरो है तो इक्वल है। अब देखो ए जीरो है, बी वन है, तो छोटा एक बड़ा है, जीरो और वन में, ऐसे हम प्रकाश, हम प्रकाश बताओ छोटा है ना, तो छोटा है वाले में टिक करोगे, ठीक है ना? ए लेस देन बी, वन जीरो, तो ए ग्रेटर देन बी, इसमें वन बाकी सब में जीरो आ जाएगा, ए इक्वल टू बी, जीरो जीरो इसमें आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट को देखो, इसको देखो, इस वाले को, ये कौन सा आउटपुट है जी? जीरो को जीरो, जीरो वन को जीरो, और ये वन 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 जीरो को वन, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ होगा, तभी तो ये वन हो रहा है ना जी? तो इसीलिए बी का कॉम्प्लीमेंट वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, तो फर्स्ट वाला क्या मिलेगा? समझ गया होगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, समझ पाए कि नहीं? ए ग्रेटर देन बी के लिए, फर्स्ट वाले के लिए आउटपुट क्या होगा? समझ पाए सब लोग? चलिए लेस देन बी के लिए बताइए। वेरी गुड, ए का बार बी, इसके लिए बताइए कौन सा गेट है ये? जीरो जीरो को वन दे रहा है, वन वन को वन दे रहा है, कौन सा गेट है? वेरी गुड, तो मैंने बताया था
ये कंपैरेटर होता है एक्स नॉर गेट हमारा, ठीक है ना, वहीं पर बता दिया था। तो देखो यहाँ पर आउटपुट आ चुके हैं, ए ग्रेटर देन बी, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ए लेस देन बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, और ए इक्वल टू बी, ए एक्सक्लूसिव नॉर बी। ठीक है, आया समझ में सबको, क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसके आगे 3 बिट 4 बिट यूपीएससी में आते हैं, तुम्हारे लेवल के एग्जाम में इतने ही तक आएगा, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, ये कंपैरेटर यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो 5 मिनट बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास सिग्नल